ये इधर का हो गया, वो उधर का हो गया, ये घर हो गए, और ये एक लकड़ी डाल के रखते हैं यहाँ पे घर के अंदर जाने के लिए बस। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रैकर। और अभी मैं हूँ टोरेशिया जी, पैसिफिक ओशियन है उसमें टोरेशिया जी एक सी नोमेड्स का विलेज है जहाँ पे लोग हैं ना जो समुद्र में घर बना के रहते हैं। ये आपने पहले भी देखा होगा, ये देखो ये समुद्र में सारे घर समुद्र में बने हुए हैं। तो ये गांव है टोरेशिया जी, इसका नाम है टोरेशिया जी, गोरेंटालो रीजन में आता है। गोरेंटालो, व्हाट इज गोरेंटालो इज प्रोविंस और गोरेंटालो इज डिस्ट्रिक्ट और गोरेंटालो व्हाट इज गोरेंटालो इज प्रोविंस गोरेंटालो इस प्रोविंस गोरेंटालो प्रोविंस है। गोरेंटालो प्रोविंस में आता है ये टोरेशिया जी, जो सी नोमेड्स का गांव है ये। तो अभी हम चल रहे हैं, कल भी हम लोग फिशिंग के लिए गए थे, तो वो जो इनका लाइफ स्टाइल है वो सब हम लोग हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे, विजिट कर रहे हैं इनका जो सी नोमेड्स का लाइफ स्टाइल है वो। ये देखो सामने, ये ऐसे रहते हैं सी नोमेड्स, और यार इनका लाइफ अलग ही है भाई बिल्कुल। अभी हम लोग हैं ना, ये पूरा गांव है ना, इसके एक राउंड लगाने वाले हैं, तो पूरा गांव राउंड लगाऊंगा ना तब दिखाऊंगा आपको, बोट से बाई बोट राउंड लगाएंगे। देखो वहाँ पे पुल बना रखा है इन्होंने छोटा सा, नीचे से बोट वगैरह आती जाती है। ये पूरा लकड़ियों का बनाया हुआ है, और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है एक, ये बोट है इनका, एम्बुलेंस है ये। सो दे डोंट हैव हॉस्पिटल हियर? नो, ओनली क्लिनिक, ओनली क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल। ओके, स्कूल ऑल्सो? They have school also. Here? Yeah. And college? No. No college. तो ये यहाँ पे जो है ना, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ये एम्बुलेंस है, यदि कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो बाहर जाते हैं ये लोग दिखाने। यहाँ पे जो इस गांव में है जो छोटा क्लिनिक है, हॉस्पिटल नहीं है। देख लो होम स्टे मुटिया रालो टोरेशिया जी, टोरेशिया जी इस जगह का नाम है। तो देखिए थोड़ा सा आपको गाँव वाँव घुमा देता हूँ, थोड़ा सा लेके चलता हूँ आइए। और ये जो जगह है ना, ये बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी जगह है ये पूरा, मुझे ऐसे लगता है मार्केट टाइप का। यहाँ पे सब कुछ वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कैफ़े भी अवेलेबल है, होटल भी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो और ये देखो, ये छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है। हाय, हाउ आर यू, कम हियर, कम, व्हाट्स योर नेम? What's your name? Name? Don't know? No English? Okay, go go go. ये English नहीं जानता है यार। और ये देखो वो उधर सारे के सारे घर हैं ना जो पानी में बने हुए हैं, ये पूरा ये जो गांव है ना ये पानी में बना हुआ है। Hi, how are you? I'm fine. My name is Kailas. I'm Isna. Isna? Yes. Oh, I'm from India. Yeah. You are? I like India. You like India? Okay, mister. Okay. Bye. Bye. Hi, baby. How are you? Hey, देखो कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं छोटे छोटे। लेकिन यहाँ पे ये जो समुद्र का पानी है, यहाँ पे आप लोगों को ये देख के लगता होगा कि हम मलेरिया वगैरह या ऐसी बीमारियाँ होगी यहाँ पे, मॉस्किटोज होंगी, लेकिन हम दो नाइट से यहाँ पे मॉस्किटो मच्छर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये इंटरनेट कैफे भी है यहाँ पे, आप लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देखो। लेकिन गाँव काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, गाँव बहुत इंटरेस्टिंग गाँव है ये। हेलो, हाउ आर यू? गुड 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 गुड। नेम? स्क्विड। यहाँ पे जो लोग बच्चे हैं ना वो बहुत शर्मिले स्वभाव के हैं यार, बहुत शर्माते हैं बात करने में। कैफे, क्या शानदार कैफे बना रखा है यार। ये देखो इधर इधर ये समुद्र है, और यहाँ का ये कैफे देखो, वाव अल्टीमेट यार। इतना सा रखते हैं यार घर पे जाने के लिए, बस इतना सा रखते हैं। ये इधर का हो गया, वो उधर का हो गया, ये घर हो गए, और ये एक लकड़ी डाल के रखते हैं यहाँ पे घर के अंदर जाने के लिए बस।
यहाँ पे सारे लोग ये काम दाम करने में लगे हैं। व्हाट इज यू डूइंग? फॉर वुड, वुड फॉर फायर, फॉर कुकिंग। ओके, वहाँ पे वो एक बंदा दिख रहा होगा आपको, वो कुकिंग करने के लिए यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह काटता है। फ्रॉम वेयर दे ब्रिंग द वुड्स? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम आइलैंड। विच आइलैंड? स्मॉल आइलैंड। एवरी आइलैंड, या ओके ओके। आइलैंड मोस्टली। ओके, यहाँ पे गांव के एक पार्ट का एंड हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस ये यहाँ इधर तक ही है गांव, आगे कुछ नहीं है। ये यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, अश्विन, 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 यहाँ पे ना बच्चे बहुत शर्मिले स्वभाव के हैं, बहुत साई टाइप के हैं यहाँ पे बच्चे। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक नया रिजोर्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपको रिजोर्ट वगैरह, कैफे वगैरह खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। दिस वन इज ऑल्सो कैफे और होम। होम तो ये तो एक घर है यहाँ पे। यहाँ पे गांव का जो है एंड आ गया है, यहाँ पे गांव एंड हो गया। हम लोग उधर से चले आ रहे थे और ये कैफे तैयार हो रहा है, कबाना कैफे। भाई गांव तो एकदम अल्टीमेट है, आप लोग गांव देखने आओगे ना मतलब दिल खुश हो जाएगा गांव को देख के आप लोगों का। वो देखो वो बोटिंग करते हुए जा रहे हैं। हेलो, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है ना, वहाँ से कोकोनट इकट्ठा करके लाते हैं। तो अभी मैं एक कोकोनट यहाँ से खाने के लिए लेता हूँ। यानी भाई वन, ये अंदर वाला पार्ट मैंने पहली बार देखा भाई कोकोनट में। आप लोगों ने देखा है क्या कभी? तोरसिया जी एप्पल, तोरसिया जी एप्पल इसको कहते हैं, तोरसिया जी एप्पल। और वो वाला जो आपको वो सामने दिख रहा है, वो भी पूरा स्कूल का पार्ट है। ये सारा का सारा स्कूल का पार्ट है। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे ये सी नोमैड्स है जो फिशिंग करते हैं या फिर अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो समुद्र से इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही कुछ सी नोमैड लोगों को हम लोग घूमने जा रहे हैं। सो गाइस, जब हम लोग जा रहे हैं स्पीयर फिशिंग करने के लिए, इसको जो अभी आपको एक गन दिखाई थी ना, ये वाली गन है ना, इसको स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। और वो वाला भाई है ना, वो स्पीयर फिशिंग करने के लिए अभी जाने वाला है। तो आपको दिखाते हैं सी नोमैड्स कैसे स्पीयर फिशिंग करते हैं। स्पीयर फिशिंग इनमें काफ़ी जो इंटरेस्टिंग बात है ना, मुझे वो स्पीयर फिशिंग का ही लगा है सी नोमैड्स में। अब चलते हैं इन लोगों के साथ स्पीयर गन फिशिंग के लिए।
काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्पीयर गन फिशिंग जो ये सी नोमेड्स है ना, यहाँ पे बहुत सारी जो है बोट्स मिली है ये सी नोमेड्स की। ये सारे फिशिंग, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई ऑक्टोपस पकड़ रहा है। और इनको हमेशा फिश नहीं मिल पाती है, जब भी स्पीड फिशिंग के लिए जाते हैं तो इनको हमेशा फिश नहीं मिलती है। तो ये कुछ अलग छोटी मोटी चीज़ें समुद्र में से इकट्ठी करके तो उससे अपना गुजर बसर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को ये खा के अपना काम चला लेते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कलेक्ट तो क्या कर रहा है, लेकिन ये जो भी कलेक्ट कर रहा है ये सी फूड है, इसको ये खा के अपना काम चला लेते हैं। और इनमें कुछ सी नोमेड तो ऐसे हैं, एक कपल तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिला है जो हमेशा अपनी पूरी लाइफ है ना जो केवल बोट के अंदर गुजारी है उसने। अब इसने जो कुछ भी पानी में से कलेक्ट किया है ना उसे अपना लंच तैयार करने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये लोग हैं जो अपना लंच तैयार करते हैं समुद्र के अंदर ही। अभी जो यहाँ पे है ना ये जो सी विलेज है तोरसिया जी ओशियन पैसिफिक सी विलेज, यहीं पे बैठे थे हम लोग। मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो वगैरह अपलोड कर रहा था तो सोचा कि एक बार आपको यहाँ का जो व्यू है ना वो दिखाता हूँ। यार क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है यार, ये जो तोरसिया जी पैसिफिक ओशियन विलेज है ना यहाँ का, इंडोनेशिया में है ये देखो भाई